हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी। ये वीडियो खासकर उन पेशेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम डिलीवर करने वाली हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी की डिलीवरी की टाइम नजदीक आता है, वैसे वैसे पेशेंट को एंग्जायटी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, साथ के साथ उन्हें एक डर भी लगने लगता है कि कहीं हमें दर्द तो नहीं होगा, अगर हमारा ऑपरेशन कह दिया तो हमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ऑपरेशन में। मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी पेन नहीं होगा यदि आपका ऑपरेशन डिसाइड होता है। ऑपरेशन डिसाइड करना ये सोली गायनोकोलॉजिस्ट का डिसीजन होता है कि किसी पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी करनी है या उसका ऑपरेशन होना है। यदि आपका ऑपरेशन, यानी जिसका नाम है सिजेरियन सेक्शन, यदि आपका सिजेरियन डिसाइड होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, एंग्जाइटी होना एक नॉर्मल बात है, एंग्शियस होना, चिंता करना, सभी को चिंता होगी, लेकिन डरना नहीं है आपने। बीइंग एनेस्थेटिस्ट, मैं आपको एश्योर करता हूं कि यदि आपका सिजेरियन डिसाइड होता है तो आपको कोई पेन नहीं होगा, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही गायनाकोलॉजिस्ट ये डिसीजन लेती है कि आप किसी पेशेंट का सिजेरियन करना है, तो पहले तो अटेंडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, खासकर पेशेंट भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि मुझे तकलीफ होगी, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना और मुझे दिक्कत आ जाएगी, मेरे को दर्द होगी। और वो इस डिसीजन लेने में, क्योंकि ये कई बार डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, अटेंडेंट भी डिसीजन लेने में टाइम लगा देते हैं, कंसेंट जिसको कहते हैं, कंसेंट देने में काफी टाइम लग जाता है, और उसमें जो बेबी का क्रूशियल टाइम है वो हम कई बार टाइम लूज करते हैं उसमें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं आपको इसके बारे में जागरूक करूं कि अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको सिजेरियन का डिसीजन बोला है, लिया है डिसीजन लिया है, तो उसमें आपने पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। वो आपके भले के लिए ही कहा होगा ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका बेबी भी स्वस्थ रहे। अब इसमें जब आपका डिसीजन हो जाता है कि ये सिजेरियन करना है, तो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो अपने कंसर्न्ड एनेस्थेटिस्ट को फोन करती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि इमरजेंसी सिजेरियन करना है या कुछ वेट भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो एनेस्थेटिस्ट जो डॉक्टर साहब हैं वो आ जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये सारा जो प्रोसीजर है हमारा एनेस्थीसिया का, पेशेंट को उसमें किस तरीके से हैंडल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो घबराते हैं कि हम कैसे जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में, हमें तो पता ही कुछ नहीं है, हम डर जाएंगे, या मुझे घबराहट होती है अगर मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी तो मुझे तो घबराहट होती है। तो ये सब नॉर्मल क्वेरीज हैं पेशेंट्स की, मैं इनको डील करना चाहूंगा अभी। सबसे पहले तो बात यह है कि जब आपका डिसीजन ले लिया जाता है कि ये सिजेरियन करना है, तो आपको एक स्टाफ नियुक्त कर दी जाती है। स्टाफ वो आपको वही आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाती है, वही आपको सारा हैंडल करती है, आपकी ड्रेस चेंज वगैरह करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसके बाद आपने स्टाफ के साथ ही आपने अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाना है। उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए, आप अपने घर में चलते हैं तो आप रूटीनली वॉक करते हैं और आपको बड़ा संभल के चलना पड़ता है कि आपका कहीं पैर स्लिप ना हो जाए या कहीं ऊपर नीचे जो सरफेस है आपको पता होता है, आप धीरे से चलते हैं, ध्यान से चलते हैं। जो ऑपरेशन थिएटर वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आप रूटीनली, आपको नहीं पता, आप नहीं गए होते रूटीनली वहां पे, आपको नहीं आइडिया वहां पे किस तरीके से चलना है, पैर ना स्लिप हो जाए, तो इसलिए आपने स्टाफ के साथ ही चलना है हमेशा। स्टाफ आपको साथ लेके चलेगी ताकि आप कोई पैर ना स्लिप हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद जब हम ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाते हैं तो वहां पे अमूमन 4 या 5 व्यक्ति होते हैं, जिनमें एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर होते हैं, स्टाफ होते हैं, ओटी टेक्नीशियन होते हैं, ये पूरा टीम वर्क होता है। इसमें एक बंदे की जो नहीं कर पाता हैंडल, ये पूरा टीम वर्क ही होता है। स्टाफ आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके आएगी, वहां पे एक ओटी टेबल होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर टेबल, जिसके ऊपर लेटकर ऑपरेशन किया जाता है, तो उसके ऊपर आपको आराम से लेटा दिया जाएगा। स्टाफ ही ये सारा काम करेगी, स्टाफ ही आपको लेटाएगी, हेल्प करेगी आपकी, तो आपने इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है।
और वहां पे मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जैसे मैंने बताया ओटी टेबल होता है, और भी वहां पे गैजेट्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, लाइट लगी होती है ऊपर, टॉप लाइट होती है, और भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं साइड में, और जिनके लेप्रोस्कोपी सेंटर्स हैं वहां पे एक स्क्रीन लगी होती है, तो इस तरह ये सब चीजें वहां पे होती हैं। कहीं मैं इसलिए ये बताना बता रहा हूं क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं, वो ये सब चीजें देख के, एक क्लोज सराउंडिंग देख के, उनको पैनिक सा हो जाता है कि मैं कहां पे आ गई। लेकिन ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने उस चीज से घबराना नहीं है। उसके बाद आपको वहां पे लेटा दिया जाता है, आपके बाजू पे बीपी कफ वगैरह लगाया जाता है और पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है, मॉनिटर सारे अटैच किए जाते हैं और आपके जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो चेक की जाती है। उसके बाद जो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हैं वो आपसे हिस्ट्री लेते हैं, आपका नाम पूछते हैं, और आपका जो आपने कब जो खाना वगैरह है कब खाया था। हालांकि हम जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं हम उनको फुल स्टमक ही मानते हैं, बाय डिफॉल्ट फुल स्टमक ही मानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फास्टिंग स्टेटस। तो फिर भी हम एक हिस्ट्री लेते हैं कि आपने किस समय, जो आपका लास्ट इंटेक था फूड का या वाटर का या जो भी आपने जूस इंटेक लिया है वो किस समय लिया है, और स्टाफ से कंफर्म करते हैं कि क्या क्या इंजेक्शन इनको लगे हैं, प्री मेडिकेशन जिनको बोलते हैं। उसके बाद एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर साहब भी आपको समझाएंगे कि अभी आपको बिठाएंगे, या इसमें ये रहता है, देखिए एक इंजेक्शन लगाना है जिसको हम अब इसको एनेस्थीजिया कैसे दिया जाता है, इसमें स्पाइनल एनेस्थीजिया दिया जाता है जो कि बेस्ट रहता है सिजेरियन के लिए। इसको कैसे दिया जाता है, इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। कुछ एनेस्थेटिस्ट इसको सिटिंग पोजिशन में लगाना प्रेफर करते हैं, कुछ एनेस्थेटिक्स इसको लेटरल, लेटरल यानी करवट दिलवा के लेटाया जाता है पेशेंट को, उस तरीके से लगाना प्रेफर करते हैं। दोनों ही पोजीशन ठीक हैं, ये इंडिविजुअली डिसाइड हो जाता है, जो एनेस्थेटिक्स होता है वही बता देता है कि मैंने किस तरीके से लगाना। मैं सिटिंग पोजीशन में प्रेफर करता हूं लगाना। तो जैसे ही मैंने पेशेंट को बोला कि आप, स्टाफ को बोला जाता है कि आप पेशेंट को बिठा दीजिए, उसके बाद आपके जो बैग के ऊपर जो भी कपड़ा है क्लोथ है उसको ऊपर कर दिया जाता है, और ये सब चीजें आपको बता के की जाएंगी। इसमें कोई आपको घबराना नहीं है कि भई ये क्यों मेरा बैग से कब मेरे को क्यों बिठा दिया, या मेरी बैग से कपड़ा ऊपर क्यों कर दिया है, ये सब चीजें आपको बता के की जाएंगी। उसके बाद एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर साहब आपकी जो बैग को है बीटाडीन से पेंट किया जाएगा पीछे। उसके बाद आपको एक छोटा सा पीछे बैक पे लोकल टाइप का इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे आपका वो वाला एरिया एनेस्थेटाइज हो जाएगा लोकली। आफ्टर दैट अब जो मेन चीज आती है हमारी, स्पाइनल वाला जो इंजेक्शन लगाना है। हम देखिए इसमें एक स्पाइनल निडल्स होती हैं हमारी, डिफरेंट गेजेस की स्पाइनल निडल्स होती हैं, इसी का बहुत लोगों को फोबिया भी होता है, फियर भी होता है, फोबिया से ज्यादा फियर होता है कि बहुत बहुत मोटी निडल होगी जिससे हमें इंजेक्शन लगाया जाएगा, हमारे तो बहुत दर्द होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जो निडल्स आ रही हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल 25 गेज 26 गेज की निडल्स आ रही हैं, वो बहुत ही फाइन निडल्स हैं। आज से 6-7 साल पहले, मे बी अराउंड 8 to 10 years back, वो थोड़ी जो थिक बोर की निडल्स आती थी वो जरूर थोड़ी मोटी हुआ करती थी, जो दिक्कत करती थी पेशेंट को, जो कि 23 गेज या 22 गेज की निडल्स हुआ करती थी। अब जो आ गई हैं वो फाइन, बहुत ही फाइन निडल्स होती हैं। यूजली मैं यहाँ पे 26 गेज से प्रेफर करता हूँ सिजेरियन पेशेंट में लगाने का। उसके बहुत एडवांटेजेस हैं, पेशेंट को पेन ना मात्र के बराबर पेन होती है, उसमें आपको लोकल इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोकल वाली जो निडल है उसी का पेन कई बार ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पाइनल वाली निडल का। तो 26 गेज की निडल से स्पाइनल लगाया जाएगा आपको, और जैसे स्पाइनल लगाया जाएगा आपको स्टाफ जो है वो लेटा देंगे। उसके बाद अगर आपने ये स्टेप पार कर लिया है, और इसमें एक थोड़ा मैं आपको ये एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो स्पाइनल लगाना है ये सोलली एनेस्थेटिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि किस तरीके से लगाना है या कितना इजीली लगाना है, इसमें पेशेंट की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। आपने बैठने का जो ढंग है, जो आप बैठे हो, जैसे अगर आप सिटिंग पोजीशन में लगा रहे हैं तो आपने एक तो बिल्कुल अपनी लेग्स जितनी पॉसिबल है स्ट्रेट कर लें, और अपनी बैक को भी स्ट्रेट रखें, और जो जो चिन है आपकी उसको चेस्ट के ऊपर लगा लें, जैसे मैं लगा रहा हूं ऐसे ऐसे करके लगा लें, और जैसे हिंदी में बोलते हैं कूब निकाल के बैठना, उस तरीके से आपने बैठना है। उससे क्या है कि जो हमारी स्पाइन है वो हमें
उसकी जो हमें एक्सेसिबिलिटी है, उसकी जो एनाटॉमी है वो थोड़ी सी बेटर डिफाइंड हो जाती है, और हम इंजेक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर तरीके से और इजीली लगा सकते हैं। कई बार पेशेंट्स अपनी पोजीशन ही ठीक तरह नहीं लगा पाते, खासकर जो पेन में पेशेंट्स होते हैं, जिनको लेबर पेन्स आ रहे होते हैं, डेफिनेटली उनके लिए मुश्किल होता है वो पोजीशन में बैठना। बट अगर आप जितनी कोशिश कर पाएंगे उस तरीके से बैठने में, उतना ही इजिली वो इंजेक्शन लग जाएगा और फर्स्ट टाइम में लग जाएगा। 99% केसेस में फर्स्ट टाइम में इंजेक्शन लग जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। उसके बाद जब इंजेक्शन लग गया है, स्पाइनल इंजेक्शन लग गया आपको, उसके बाद आपको लेटा दिया जाता है और बाजू आपके साइड में कर दिए जाते हैं, जिसमें फिर से वो बीपी कफ और जो मॉनिटर्स हैं वो अटैच कर दिए जाते हैं। एक एक हैंड पे आपके कैनुला लगा होता है जिसमें से ड्रिप चल रही होती है, फ्लूइड चल रहे होते हैं। आफ्टर डैट एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, अब आपके आपको थोड़ी सी लेग्स में अजीब सी सेंसेशन फील होगी। मैं आपको खुद ही बताना चाहूंगा कि ये वो सेंसेशन, इस तरह की फीलिंग आती है जैसे कई बार हम घर में बैठे होते हैं, हम जब कई बार हमारा ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जो हमारी लेग्स हैं वो सो गई हैं, अभी अजीब सी टिंगलिंग सेंसेशन टाइप फीलिंग आती है, वो वाली सेंसेशन आएगी हमारी लेग्स में और पेशेंट को लगेगा जी मेरे बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रही है। तो वो उसमें घबराना नहीं है, वो एक रूटीन प्रोसीजर है, रूटीन तरीके से वो आता है। इस स्पाइनल इंजेक्शन लगाने के बाद हमारा जो एनेस्थेटाइज एरिया होता है वो चेस्ट से नीचे नीचे का हिस्सा, यानी एब्डोमन और टांगे बिल्कुल एनेस्थेटाइज हो जाती हैं। आपको चेस्ट से नीचे नीचे कोई फील नहीं होता है, आप पेशेंट होश में रहते हैं, पेशेंट बात करते रहते हैं, कोई भी परेशानी होती है पेशेंट बोल के बता सकता है। जैसे ही पेशेंट को लेटा दिया जाता है हम चेक करते हैं, पेशेंट जैसे टिंगलिंग सेंसेशन आ रहती है, उसके बाद उसमें पेशेंट में यह भी होता है कि पेशेंट अपनी लेग्स लिफ्ट नहीं कर पाता है स्पाइनल इंजेक्शन के बाद। तो हम चेक करते हैं कि पेशेंट अपनी लेग्स उठा के देखें, तो पेशेंट ये कहती है कि हम लेग्स नहीं उठा पा रहे। कई पेशेंट उसको भी बड़ा नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि नहीं मुझे लेग्स उठानी है, वो एक नॉर्मल, इसी से ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसी से हम चेक कर पाते हैं कि आपको एनेस्थीजिया सही तरीके से गया है या नहीं गया। फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं या सर्जन जो होते हैं वो आपके एब्डोमेन को वही बीटाडीन से, जिससे एनेस्थेटिस्ट ने पेंट किया था, उससे पेंट करते हैं बीटाडीन से। उसमें भी कई बार ये आता है, पेशेंट कहता है कि जी मेरे को टांगे तो मेरी सुन हो गई हैं, लेकिन मेरे पेट पे अभी भी मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे पता लग रहा है कुछ। तो उसके मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपको पता लगेगा कुछ कर रही हैं, लेकिन आपको कोई दर्द नहीं होगा, और जो ये टच सेंसेशन जो आप फील कर पा रहे हैं ये भी थोड़ी देर में आपकी चली जाएगी। उसके बाद आपको ऑपरेशन आपका हो जाता है, थोड़ी देर में 5 to 10 मिनट्स में आपका बेबी भी डिलीवर हो जाता है, आपको क्राई सुन जाती है उसकी और पेशेंट काम डाउन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं उसके बाद। और इसके बाद जब बेबी आउट हो जाता है, इसके बाद हर एनेस्थेटिस्ट टू एनेस्थेटिस्ट वेरी करता है कि आपको सिडेट भी कर दिया जाता है। सिडेट का मतलब ये होता है कि आपको एक छोटा सा नींद का इंजेक्शन भी दे दिया जाता है जिससे पेशेंट सो भी जाता है, डिपेंड करता है, जरूरी भी नहीं है देना। तो और आपका ऑपरेशन आराम से फिनिश हो जाता है। ये तो रहा प्रोसीजर सिजेरियन का। इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं पेशेंट्स को, कॉमनली दिक्कतें आ सकती हैं, मैं वो भी ऐड करना चाहूंगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली दिक्कत है कि जब स्पाइनल इंजेक्शन लगा दिया जाता है उसके बाद पेशेंट घबराहट कंप्लेन करता है। देखिए इस इंजेक्शन से जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है इसमें ब्लड प्रेशर फॉल करता है और हार्ट की जो धड़कन है वो कम होती है, ये एक रूटीन इसकी आफ्टर इफेक्ट्स है। तो इस वजह से पेशेंट को घबराहट होती है, तो उसका हम उस हिसाब से इंजेक्शन लगाते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी कह सकते हो कि जी मेरे को घबराहट की फीलिंग आ रही है, फिर हम उस हिसाब से हैंडल करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम आती है नोजिया या वॉमिटिंग, जिसे कहते हैं कि वॉमिटिंग करने का मन कर रहा है, अजीब सी सेंसेशन आ रही है, ये भी एक रूटीन कंप्लेंट है पेशेंट की, ये भी आ जाती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये कंप्लेंट्स अगर आपको ऑपरेशन के दौरान या सिजेरियन के दौरान आती हैं तो आपने ये प्रॉब्लम्स बोलनी है। कई बार क्या होता है पेशेंट बिल्कुल बोलता नहीं है, अंदर ही रखता है, मतलब उनको ये लगता है कि शायद पता नहीं मुझे क्यों हो रही है प्रॉब्लम, मेरे को नहीं बोलना है। आपने इंटरेक्ट करना है, आपने एनेस्थेटिस्ट से इंटरेक्ट करना है, आपने बात करनी है। अगर आप बात करेंगे एनेस्थेटिस्ट से तभी आपकी आपका जो ये सिजेरियन का जो टाइम है वो इजिली और स्मूथ तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है सांस लेने में दिक्कत आना। सांस लेने में दिक्कत आना भी काफी कॉमन प्रॉब्लम है, पेशेंट्स को आ जाती है।
तो ये भी आपने बताना है, हम उस तरीके से फिर उसको मैनेज करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं या और भी जो मैनुवर्स हैं। एक और प्रॉब्लम आती है, खासकर ये सर्दियों में आती है, ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो नोज ब्लॉक, जिनमें खासकर पहले पेशेंट में कोल्ड हुआ होता है, उनको अक्सर नोज ब्लॉक की कंप्लेंट होती है, उनको सांस नहीं आ रहा होता। एक सांस लेने में दिक्कत आने का ये भी रीजन होता है कि नोज ब्लॉक हो गई होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो टर्बिनेट्स हैं हमारे नोज के अंदर जो है वो एंगॉज हो जाते हैं, और उससे स्टफीनेस हो जाती है नोज की, और सांस लेने में, नोज के थ्रू सांस लेने में दिक्कत आती है। तो वो भी आपने हमें बताना है कि हमारा नोज ब्लॉक लग रहा है, तो हम उसमें फिर ड्रॉप्स डाल देते हैं। एनेस्थेटिस्ट आपसे ये सब प्रॉब्लम्स खुद भी पूछेगा, लेकिन इट्स बेटर अगर आप खुद बोलें, खुद बोलेंगे तभी इंट्रेक्शन होगी एनेस्थेटिस्ट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी विंटर्स में ज्यादा दिखती है, शिवरिंग की, क्योंकि हम पेशेंट को अंदर शिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि हम जो ड्रिप वगैरह लगाते हैं, सारे वार्म फ्लूइड्स लगाते हैं, अपनी तरफ से पूरा ब्लैंकेट वगैरह से कवर भी करते हैं चेस्ट रीजन को, तो लेकिन स्टिल फिर भी शिवरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, और उसको फिर उस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ये मैंने आपको रूटीन एक सिजेरियन की प्रोसीजर बताया है, जिसमें क्या क्या इसमें स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जिनकी अभी कोई सिजेरियन या जिनकी कोई डिलीवरी होनी है अभी, वो अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं वो मुझमें पूछ सकते हैं, मुझसे अपना क्वेरीज डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कुछ एक हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, जिनका हाई रिस्क सिजेरियन होते हैं, उसका मैं फिर किसी दिन एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और अगेन मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, नो फियर एट ऑल। थैंक यू।